सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आप मेरे वीडियोस का टाइटल और दोस्तों थंबनेल देखकर गाइज आप लोग समझ ही गए होंगे कि दोस्तों किस टाइप के मैं वीडियोस बनाए हूँ। सो दोस्तों, आज की ये जो वीडियोस गाइज आप सभी के लिए गाइज फिर से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दोस्तों कमाल का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियोज़ के अंदर गाइज मैं आप लोगों को बताने वाला फ्रेंड्स कि आप अपने किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल में सिर्फ कैनवा स्टार एप्लीकेशन के मदद से दोस्तों कुछ इस तरीके का वीडियोस रिकॉर्ड करके गाइज कुछ इस तरीके का VFX वीडियोस को कैसे बना सकते हैं, और दोस्तों उस वीडियोस में बैकग्राउंड्स पर वीडियोस और बहुत सारे इफेक्ट को और बहुत सारे मटेरियल्स को दोस्तों उसमें ऐड करके अच्छे तरीके से गाइज VFX वीडियोस को एडिटिंग कैसे कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियोस के अंदर गाइज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप लोग ये जानना चाहते हैं और गाइज इसे सीखना चाहते हैं कि अपने फ़ोन से सिर्फ कैनवा स्टार एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों VFX वीडियोस को कैसे बनाते हैं और दोस्तों उसमें बहुत सारे मटेरियल्स को ऐड करके उसमें एडिटिंग कैसे की जाती है, तो गाइज इसे सब जानने के लिए बस आपको दोस्तों इस वीडियोस को दोस्तों आप लोगों को शुरू से लेकर गाइज लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियोस में आप लोगों को गाइज कहीं पर भी स्किप नहीं करना, ठीक है। यदि आप बस इस वीडियोस में आप लोग कहीं पर भी स्किप कर लेते हो तो गाइज आप भी शायद VFX वीडियोस को गाइज एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप लोग ये सीखना चाहते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि कैनवा स्टार एप्लीकेशन की मदद से न्यू VFX वीडियोस को गाइज कैसे एडिटिंग की जाती है, तो गाइज इसे सब जानने के लिए बस आपको दोस्तों इस वीडियोस को दोस्तों आप लोगों को गाइज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियोस के अंदर गाइज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ और गाइज कैनवा स्टार एप्लीकेशन की मदद से वीडियोस को गाइज एडिटिंग करके आप लोगों को दोस्तों प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। तो सो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आप देखने गए राहुल टेक्नोलॉजी के एंड यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियोस को हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो सो गाइस, देखिए सबसे पहले जो आप लोगों को किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल में कैनवा स्टार एप्लीकेशन के मदद से दोस्तों VFX वीडियोस को दोस्तों एडिटिंग करने के लिए गाइस सबसे पहले गाइस जो है आप अपने फ़ोन से कुछ इस तरीके का दोस्तों वीडियोस रिकॉर्ड्स कर लेना है, ठीक है। और वीडियोस रिकॉर्ड्स कर लेने के बाद दोस्तों इस कैनवा स्टार एप्लीकेशन को दोस्तों अपने फ़ोन में गाइस ओपन कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपके फ़ोन में ये कैनवा स्टार एप्लीकेशन नहीं है तो गाइस इस कैनवा स्टार का लिंक मैंने दोस्तों अपने वीडियोज में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से गाइस इस कैनवा स्टार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं अपने फ़ोन में पहले से कैनवा स्टार एप्लीकेशन को डाउनलोड्स करके रखा है, इसलिए गाइस इस एप्लीकेशन को मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, जैसे इस कैनवा स्टार एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में गाइस इसको फर्स्ट बार आप लोग ओपन करेंगे तो गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, आपने सिंपली प्लस का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद गाइस आपने 9x16 रेंज को गाइस आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, जो भी वीडियोस को आप रिकॉर्ड्स किए हो उसी वीडियोस को गाइस आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जो भी वीडियोस को मैं रिकॉर्ड्स किया हूँ उसी वीडियोस को गाइस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, अपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करके आपने शुरू में आ जाना है, ठीक है। और शुरू में आ जाने के बाद गाइस आप अपने वीडियोस पर क्लिक करके दोस्तों अपने स्पीकर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और गाइस इसका मेनू आपने म्यूट कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, अपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और गाइस आप अपने वीडियोस पर गाइस क्लिक करके कुछ इस तरीके से गाइस स्क्रॉल करके देखना है कि आपका वीडियोस कितने सेकंड्स पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर गाइस आपने सेकंड्स को मिला लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, अपने वीडियोस पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर अपने कैची के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और गाइस इसमें आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ट्रिम टू लेफ्ट और प्ले हेड का ऑप्शन, ठीक है। इस पर क्लिक करके गाइस आपने एक स्टार्टिंग वाला हिस्सा आपने कट कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, आपने कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करके देखना है कि गाइस आपका वीडियोस कितने के सेकंड पर खत्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, आपने फिर से उसी वीडियोस पर गाइस आपने क्लिक कर देना है और गाइस फिर से आपने कैची के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और कैची के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस इसमें आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ट्रिम टू राइट और प्ले हेड का ऑप्शन, ठीक है। इस पर गाइस क्लिक करके आपने लास्ट वाला हिस्सा कट कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करके गाइस आपने शुरू में चले जाइएगा, ठीक है। और शुरू में आ जाने के बाद गाइस आप अपने वीडियोस को गाइस प्ले करके देखना है कि आपका हैंड कितने सेकंड्स पर ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, अपने तुरंत वीडियोस को स्टॉप कर देना है। इसके बाद दोस्तों, अपने वीडियोस पर क्लिक करके गाइस आपने फिर से कैची के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद गाइस इसमें आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्प्लिट एट प्ले हेड का ऑप्शन, ठीक है। इस पर गाइस क्लिक करके इस वीडियोस को गाइस आपने टू भाग में कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, अपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, अपने फर्स्ट वीडियो पर क्लिक करना है, ठीक है। और फर्स्ट वीडियो पर क्लिक करने के बाद गाइस आपने स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और गाइस इसको स्लो मोशन में थोड़ा बढ़ा लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, अपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपने सेकंड वीडियोस पर क्लिक कर देना है और सेकंड वीडियोस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, अपने स्पीड से स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आप अपने वीडियोस को गाइस कुछ इस तरीके से स्लो मोशन में कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों, अपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आपने शुरू में आ जाना है और शुरू में आ जाने के बाद दोस्तों आप अपने वीडियोस को देख लीजिएगा कि अच्छे तरीके से ये बन गया कि नहीं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, अपने फर्स्ट वीडियो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और फर्स्ट वीडियो पर क्लिक करने के बाद गाइस आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और गाइस आप अपने वीडियोस को गाइस कुछ इस तरीके से गाइस आपने जूम कर लीजिएगा, ठीक है। और जूम कर लेने के बाद दोस्तों, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और अच्छे तरीके से गाइस इसको आपने जूम कर लीजिएगा, ठीक है।
और इसको जूम कर लेने के बाद गच आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और गच आपने फिर से सेकंड वीडियोस पर क्लिक करके दोस्तों इसी ऑप्शन पर गच आपने क्लिक कर देना है और गच इस वीडियोस को गच आपने कुछ इस तरीके से आपने जूम कर लेना है, ठीक है। आप अपने वीडियो को अच्छे तरीके से जूम कर लेने के बाद गच आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और गच फिर से आप अपने वीडियोस को प्ले करके देख लीजिएगा कि अच्छे तरीके से ये जूम हुआ है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने शुरू में जाना है, ठीक है। और शुरू में आ जाने के बाद गच आपने लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और गच आपने मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गच इस वीडियोस को गच आपने सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियोस का लिंक मैंने गच अपने वीडियोज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से गच इस वीडियोज को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इसी वीडियोज पर क्लिक कर देना है और गच इसका मेनू आपने म्यूट कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने फिर से इसी वीडियोज पर क्लिक कर देना है और गच इसमें आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्रॉपिंग का, इस पर गच आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गच इस वीडियोज को गच आप अपने कुछ इस तरीके से क्रॉप कर लेना है, ठीक है। और क्रॉप कर लेने के बाद गच आपने मार्क्स वाले ऑप्शन को गच आपने इनेबल कर देना है और गच इसको आपने वेदर को आपने 30% कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों इसी वीडियोस पर आपने क्लिक कर देना है और गच इस वीडियोस को गच कुछ इस तरीके से आपने जूम कर लेना है, ठीक है। और जूम कर लेने के बाद गच आपने चले जाना है ऑप्शन में और गच इसमें आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लेंडिंग का, इस पर गच आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गच इसमें से दोस्तों आप लोगों को जो भी ब्लेंडिंग अच्छा लगे उसको गच आपने सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे ये वाला ब्लेंडिंग अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है गच ओपेसिटी का, ठीक है। इसको गच आपने 70% कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गच इस प्लस वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपने क्लिक करके दोस्तों आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियोस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और इस वीडियोस पर क्लिक करने के बाद गच आपने कैची के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और गच इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों ट्रिम टू राइट और प्लेट का ऑप्शन, ठीक है। इसको क्लिक करके गच आपने लास्ट वाला हिस्सा कट कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गच आपने सिंपली शुरू में आ जाना है और शुरू में आ जाने के बाद गच आपने फिर से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद दोस्तों आपने मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गच इस वीडियोस को गच आपने सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियोस का लिंक मैंने गच अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गच दे दिया है, आप वहां से गच इस वीडियोस को आप लोग गच डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों इस वीडियोस को सेलेक्ट करने के बाद गच अपने ऑप्शंस पे चले आना है और गच इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्रॉपिंग का, इस पर गच आपने क्लिक कर देना, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद गच इस वीडियोस को गच आपने कुछ इस तरीके से गच आपने क्रॉप कर लेना है, ठीक है। और इसको क्रॉप कर लेने के बाद गच इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एम्बॉस का, इस पर गच आपने क्लिक करके अपने फेदर को गच आपने 30% कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गच इस वीडियोस पर गच आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस वीडियोस पर क्लिक करने के बाद गच इस वीडियोस को गच आपने कुछ इस तरीके से गच आपने जूम कर लेना है, ठीक है। और जूम कर लेने के बाद गच आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसको एडजस्ट कर लेने के बाद गच आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और गच इस वीडियोस पर क्लिक करके दोस्तों आपने लास्ट में चले जाना है, ठीक है। और लास्ट में चले जाने के बाद गच आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आपने इस वीडियोस पर क्लिक करना है, ठीक है। और इस वीडियोस पर क्लिक करने के बाद गच इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैची का, इस पर गच आपने क्लिक करना है, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद गच इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ट्रिम टू राइट और प्लेट का ऑप्शन, ठीक है। इस पर गच क्लिक करके गच आपने लास्ट वाला हिस्सा कट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गच इसी वीडियोस पर गच आपने फिर से क्लिक कर देना है और गच इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है चाबी का, इस पर गच आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद गच आपने लास्ट में चले जाना है, ठीक है। और लास्ट में चले जाने के बाद गच इस वीडियोस को गच आपने कुछ इस तरीके से गच आपने स्क्रॉल कर देना है, ठीक है। और इसके बाद गच आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गच इस वीडियोस पर गच आपने सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद गच इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लेंडिंग का, इस पर गच आपने क्लिक करना है, ठीक है। और ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गच इसमें से जो भी ब्लेंडिंग आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगे उस ब्लेंडिंग को गच आपने सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं डार्कन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गच आपने शुरू में आ जाना है और शुरू में आ जाने के बाद गच आपने फिर से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आपने फिर से मेडिक ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है।
और मीडिया ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गज इस ग्रास वाले इमेज को गज आपने सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने इसको जूम कर लेना है और इसको जूम कर लेने के बाद दोस्तों आपने क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना है और इसको भी आपने कुछ इस तरीके से आपने क्रॉप कर लेना है। ठीक है, और इसको क्रॉप कर लेने के बाद दोस्तों अपने फिर से मार्क्स वाले ऑप्शन को गज आपने इनेबल करके दोस्तों इसको फर्दर को गज आपने 30% कर लेना है। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अपने ओके का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और गज इस पर क्लिक करके दोस्तों आपने इसको जूम कर लेना है। ठीक है, इसको जूम कर लेने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर आपने कुछ इस तरह के गज आपने एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने इस चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आपने लास्ट में चले जाना है और गज इस ग्रास को दोस्तों आपने कुछ इस तरह के गज आपने स्क्रॉल कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है, और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गज आपने इस इमेजेस पर गज आपने क्लिक करना है और गज आपने ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर चले जाना है। ठीक है, और ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर चले जाने के बाद गज आपने डार्कन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है, इसमें से गज जो भी ब्लेंडिंग अच्छा लगे उस पर गज आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो गज मुझे डार्कन अच्छा लग रहा है तो गज इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो गज जैसे आप लोग ओके के ऑप्शन पर क्लिक करोगे ये जो वीडियो गज कुछ इस तरीके से गज आपका बन जाता है। ठीक है, इसके बाद गाइस आपने प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, और प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और गाइस आपने लेयर के ऑप्शन पर चले जाने के बाद आपने मीडिया के ऑप्शन पर चले जाना है। ठीक है, और मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस जो भी बैकग्राउंड में आप वीडियोस को ऐड करना चाहते हैं उसी वीडियोस को गाइस आपने सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो चले दोस्तों इसी वीडियोस को मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूं, तो गाइस इसी वीडियोस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो भी वीडियोस को आप सेलेक्ट किए हो उसी वीडियोस को गज आपने कुछ इस तरीके से गज आपने जूम कर लेना है। ठीक है, और उसको जूम कर लेने के बाद दोस्तों आपने क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना है और गज आप अपने वीडियोस को गज कुछ इस तरीके से गज आपने क्रॉप कर लेना है। ठीक है, और वीडियोस को क्रॉप कर लेने के बाद दोस्तों अपने मार्क्स वाले ऑप्शन को गज आपने इनेबल कर देना है और गज इस फेदर को गज आपने 30% सेट कर लेना है। ठीक है, इसको सेट कर लेने के बाद दोस्तों आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और गज इस वीडियोस पर क्लिक करके दोस्तों आपने इसका मेन्यू आपने म्यूट कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गज इसी वीडियोस पर गज आपने फिर से क्लिक कर देना है। ठीक है, और इस वीडियोस पर क्लिक करने के बाद गज आपने चले जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर और इसमें से दोस्तों जो भी ब्लेंडिंग आप लोगों को अच्छा लगे उस ब्लेंडिंग को गज आपने सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे मल्टीप्लाई अच्छा लग रहा है तो गज इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपने सिंपली ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपने फिर से प्लस वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और प्लस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद गज आपने फिर से लेयर के ऑप्शंस पर चले जाना है और गज आपने मीडिया के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। ठीक है, और मीडिया के ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद गज इस वीडियोस को गज आपने सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियोस का लिंक मैंने गज अपने वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गज दे दिया है, आप वहाँ गज इस वीडियोस को दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको सेलेक्ट करने के बाद इस वीडियोस को गज आपने कुछ इस तरीके से गज आपने जूम कर लेना है और गज आपने कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर आपने सेट कर लेना है। ठीक है, और उसको सेट कर लेने के बाद दोस्तों आपने क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना है और गज मार्क्स वाले ऑप्शन को गज इनेबल करके इस फेदर को गज आपने 30% सेट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों इसी वीडियोस पर गज आपने फिर से क्लिक करना है और गज आपने चले जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर। ठीक है, और ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर चले जाने के बाद गज इसमें से जो भी ब्लेंडिंग है दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगे उस ब्लेंडिंग को गज आपने सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो गाइस जैसे आप लोग ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये जो वीडियोस गाइस ये बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियोस को मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ कि गाइस ये वीडियोस अब देखने में कैसा लग रहा है। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो मेरा वीडियोस गाइस ये बनकर तैयार हो गए। ठीक है, अब दोस्तों इस वीडियोस में किसी भी सॉन्ग को ऐड करने के लिए दोस्तों आपने शुरू में आ जाना है और शुरू में आ जाने के बाद गाइस इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑडियो का ऑप्शन, इस पर गाइस आपने क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद गज अपने फोल्डर के ऑप्शन पर चले जाना है और जो भी फोल्डर्स में आप अपने सॉन्ग को रखे हो उस फोल्डर्स को गज आपने ओपन कर देना है। ठीक है, ओपन करने के बाद गज आप अपने सॉन्ग को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं सॉन्ग को सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद दोस्तों मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा वीडियोस गाइस ये बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इस वीडियोस को सेव करने के लिए दोस्तों आपने यहाँ पर क्लिक करना है और दोस्तों आपने एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो देखा आपने दोस्तों कितना सिंपल था कि कैन मास्टर एप्लीकेशन की मदद से वीएफएक्स वीडियोस को एडिटिंग करना है। तो गाइस आई होप कि वीडियोस आप लोगों को जरूर पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ गाइस शेयर कीजिए और चैनल पर दोस्तों आप लोग नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके गाइस अभी से दोस्तों ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे
ऐसा ही टेक से रिलेटेड एडिटिंग वीडियोस अपने चैनल्स पर गए हर रोज लाते रहते हूँ आप लिए। तो सर दोस्तों आज के इस वीडियोस में बस इतना ही, फिल्म में तक गए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गए।